प्लस ट्वेल्थ एग्जाम्पल फोर पॉइंट फोर ए सैक्लोट्रोन्स ऑसीलेटर फ्रीक्वेंसी इज टेन मेगा हट्स वॉट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सलरेटिंग प्रोटोन्स तो इस क्वेश्चन में हमें ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसकी वैल्यू दी हुई है टेन मेगा हट्स सो टेन मेगा हट्स तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को न्यू ओ से और बुक में थ्योरी में इसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाई वोल्टेज न्यू ए से नाओ हमें मालूम है एस आई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्स होती है सो आई कैन से डैट न्यू ओ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीटर इज इक्वल टू टेन मेगा की वैल्यू टेन रेस टू पावर सिक्स यहाँ पे सब्सिड्यूट कर देते हैं साथ में आ जाएगा हर्ट्स तो इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो मेरे पास न्यू ओ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीटर इन एस आई यूनिट्स आ गई टेन रेस टू पावर सेवन हर्ट्स तो इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इन अक्लोट्रोन फॉर एक्सलेटिंग प्रोटोन्स नेक्स्ट देख लेते हैं इफ द रेडियस ऑफ इट्स डीज इज सिक्सटी सेंटीमीटर तो जो हमारे पास डीज हैं लाइक डी वन एंड डी टू इन अक्लोट्रॉन ऑपरेटर्स उसका रेडियस भी दिया हुआ है हमारे पास सिक्सटी सेंटीमीटर तो क्या फाइंड करने को कहा गया है वाट इज द कनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द प्रोटोन बीम प्रोड्यूस बाय द एक्सलेटर तो हमें अब नेक्स्ट कनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि मेरी न्यू ओ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीटर कितनी आ गई थी टेनरेज टू पावर सेवन हर्ट्स एंड रेडियस ऑफ डीस लेट इसे हम कैपिटल आर से नोट कर लेते हैं ये गिवन था सिक्सटी सेंटीमीटर तो एस यूनिट हमारे पास कितनी आ जाएगी जीरो मीटर रेडियस की वैल्यू एंड अब देखते हैं कि जो हमारा साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें जो मेरी ऑक्सीटर फ्रिक्वेंसी है वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को मैच करनी चाहिए तभी ये रेजोनेंस कंडीशन में प्रॉपर वर्क करेगा for, लिख लेते हैं इसे में, हमारी ऑक्सीटर फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होनी चाहिए सो so, हम कह सकते हैं सी मतलब फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीटर तो ये हमारे पास कितनी थी टेनरेस्ट टू पावर सेवन हर्ट्स नाउ वी नो डैट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी न्यू सी इज इक्वल टू क्यू इन टू बी अपॉन टू पाई एम तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं सो माई बी कम्स आउट टू पाई एम इंटू न्यू सी अपॉन क्यू तो हमें चार्ज की वैल्यू भी इन क्वेश्चन गिवन है तो क्योंकि वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स जीरो इंटू टेन रिस टू पावर माइनस नाइनटीन कूलम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और साथ में हमें क्या गिवन है मास ऑफ प्रोटोन भी गिवन है सो मास ऑफ़ प्रोटोन लेट हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसकी वैल्यू दी है वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी एंड एक रिलेशन भी गिवन है हमें कि वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थर्टीन जूल तो ये हमारे पास तीन डाटा है जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं सो माई बी इज इक्वल टू पाइक की वैल्यू हमें मालूम है थ्री पॉइंट वन फोर इंटू मास हमारे पास वैल्यू आ गई वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन हमारे पास कितनी आ जाएगी टेन रिज टू पावर सेवन और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइन्टीन तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें लाइक टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू वन पॉइंट सिक्स सेवन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन पॉइंट फोर एट सेवन अब पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो बेस सेम है एंड मल्टीप्लाई में है तो पावर्स विल बी एडेड अप सो माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस सेवन ये मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी डिनोमिनेटर में मेरे पास वही है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एज टू पावर माइनस नाइनटीन अब इसे फर्दर सिम्पलीफाई करें लाइक टेन पॉइंट फोर एट सेवन को मैं डिवाइड करूँ वन पॉइंट सिक्स से तो ये मेरे पास आ जाएगा सिक्स पॉइंट फाइव फाइव अब पावर सॉल्व कर लेते हैं देखिए बेस सेम है बट अब ये डिवाइड में है तो जो जो माइनस नाइनटीन है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस ट्वेंटी प्लस नाइन्टीन मेरे पास क्या बचेगा टेन रेज टू पावर माइनस वन तो हम क्या निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सो मैग्नेटिक फील्ड की एस यूनिट की होती है टेस्ला सो so, ये मेरे पास आएगी सिक्स पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन रेज टू पावर माइनस वन टेस्ला तो हम इसे और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं लाइक जीरो पॉइंट सिक्स फाइव फाइव टेस्ला अगर आप इसे राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स टेस्ला सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सलरेटिंग प्रोटोन्स नाउ हम सेकेंड पार्ट देखते हैं हमें क्या फाइंड करनी थी कनेटिक एनर्जी सो कनेटिक एनर्जी फाइंड करने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमारे पास है हाफ एम वी स्के बट इस क्वेश्चन में हमें वी की वैल्यू गिवन नहीं है तो so, हम वी दो तरह से निकाल सकते हैं सो वी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम इससे भी मेरी वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी और एक और फार्मूला है वेलोसिटी को निकालने के लिए वी इज इक्वल टू आर इंटू टू पाई इंटू न्यू सी सो अगर हम इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पहले इन दोनों फार्मूलॉज़ में से कोई भी एक को यूज़ करके वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और हमारे पास एक और डायरेक्ट फार्मूला है कनेटिक एनर्जी निकालने का क्यू स्केयर बी स्केयर आर स्केयर अपॉन टू एम तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू ऑफ कनेटिक एनर्जी आ जाएगी सो so, हमारे पास सभी वैल्यूज गिवन है लाइक like क्यू की वैल्यू हमें मालूम है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइनटीन का स्केयर करेंगे बी की वैल्यू अभी निकाल है हमने जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स इसका भी स्केयर तो रेडियस रेडियस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी जीरो पॉइंट सिक्स मीटर So, इसका भी अपॉन टू एम टू इंटू मासन इंटर माइनस ट्वेंटीफाई करना है सो so, एनर्जी अब वन पॉइंट सिक्स का अगर मैं स्केयर करूं तो ये मेरे पास आ रहा है टू पॉइंट फाइव सिक्स अब देखिए टेन रेस्ट टू पावर माइनस नाइनटीन है और इसके ऊपर अगेन पावर टू है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये आ जाएगा टेन रेस टू पावर माइनस थर्टी एट माइनस नाइन टू टू क्या बन जाएगा minus 38. .66 का अगर मैं स्केयर करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर थ्री फाइव इन टू अब मेरे पास क्या बचा पॉइंट सिक्स का स्केयर तो ये कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू वन पॉइंट सिक्स सेवन तो ये मेरे पास आ जाएगा थ्री पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन अब टू पॉइंट फाइव सिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ जीरो पॉइंट फोर थ्री फाइव एंड पॉइंट थ्री सिक्स से तो ये मेरे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर तो पावर कितनी बची है टेन रेस टू पावर माइनस थर्टी एट अपॉन डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लें अगर मैं पॉइंट फोर को डिवाइड करूँ थ्री पॉइंट थ्री फोर से तो ये मेरे पास आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट वन वन नाइन इन टू पावर सॉल्व कर लेते हैं सो देखिए माइनस ट्वेंटी सेवन नीचे है ऊपर या ये पॉजिटिव हो जाएगा सो माइनस थर्टी एट प्लस ट्वेंटी सेवन तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस इलेवन तो हम निकाल के आ रहे थे कनेटिक एनर्जी कनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल सो so, हमारे पास कनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है इन जूल बट हमें निकालने को किसमें कहा गया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में साथ में हमें क्वेश्चन में ही रिलेशन दिया था कि वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थर्टीन जूल की इक्वल होती है तो यहाँ से मैं जूल की वैल्यू निकाल लूँ लाइक like, अब इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूँ बोथ साइड विद वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थर्टीन से तो मेरे पास क्या बचेगा लाइक वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थर्टीन साथ में मेरे पास यहाँ पे की यूनिट क्या थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सेम इस इधर भी डिवाइड करूँ तो इधर सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा वन और जूल तो मेरे पास वन जूल की वैल्यू आ गई है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसे मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देता हूँ सो माय कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन वन नाइन इन टू टेन रेस टू पावर माइनस इलेवन अब जूल की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं वन ओवर वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन रेस टू पावर माइनस थर्टीन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसे सिंप्लीफाई करें अब जीरो पॉइंट वन वन नाइन को अगर मैं वन पॉइंट सिक्स से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन फोर आप पावर सॉल्व कर लेते हैं माइनस थर्टीन नीचे ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो ऊपर मेरे पास क्या है माइनस इलेवन प्लस थर्टीन तो मेरे पास क्या बचेगा टेन रेज टू पावर प्लस टू साथ में यूनिट सब हमारे पास क्या आ गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें अब अगर इसमें मैं टेन रेज टू पावर टू से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन को तो ये मेरे पास आ जाएगा सेवन पॉइंट फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो दिस इज़ आवर कनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो दिस इज़ आवर सेकेंड आंसर तो एन सी आर टी बुक में हमें कनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट जब आप कैल्कुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू नीयर अबाउट सेवन पॉइंट फोर या सेवन पॉइंट फाइव के अकॉर्डिंग आएगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो